कोटकपुरा गोलीकांड मामले सुखबीर ते प्रकाश सिंह बादल आज पहली बार फरीदकोट अदालत पेश होंगे। उन्हें खिलाफ कोटकपुरा गोलीकांड की कथित साजिश रचन का दोष है। सिट ने 24 फरवरी को अदालत बादल सने 6 व्यक्तियों खिलाफ चलान पेश किया। सत हज़ार पन्नियां दे पेश किए चलान सुखबीर ते प्रकाश सिंह बादल दा ना शामिल सी। थानू दस दिए कि चलान पेश होने तो बाद प्रकाश सिंह बादल ते सुखबीर ने जिला सैशन कोर्ट च अगाऊ जमानत अर्जी लगाई, जिथे प्रकाश सिंह बादल नू कोर्ट ने राहत दे दित्ती सी, पर सुखबीर बादल नू झटका मिलिया, जिस तो बाद सुखबीर बादल ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिथों सुखबीर बादल नू भी जमानत मिल गई। अज बादल परिवार फरीदकोट अदालत च पेश होकर जमानती बोर्ड भरनगे। इस मौके वड्डी गिनती च अकाली वर्करा दा इकट्ठ भी देखा जा सकता है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अकाली दल दे वर्कर अदालत दे बाहर शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ सकते ने। प्राप्त जानकारी अनुसार हर एक अकाली आगू ते वर्कर नू अदालत च पुजन लई व्हाट्सएप ते सुनेहे भेजे गए सन, ते सभी इकट्ठ नू देखदे कुछ अकाली आगुआं ते अदालतां दे बाहर पर इकट्ठे होण वाली थां दा मुआयना भी कीता। सूत्रां अनुसार अकाली दल अदालत दे बाहर वड्डा इकट्ठ करनगे। इस तरह बैबल इंसाफ मोर्चे की अगवाई कर रही कुछ आगुआं ते सिख संगतां दे भी अदालत विच पुजन की संभावना है। दोवें धिरां दे अदालत पुजन की सूचना मिलन तो बाद जिला पुलिस चौकस हो गई, ते पुलिस मुखी हरजीत सिंह ने बुधवार खुद अदालती कॉम्प्लैक्स से सुरक्षा प्रबंधा का जायजा लिया है।